निरोगी काया नहीं होगी तो माया आएगी नहीं। आप जबरदस्ती करके माया को ले भी आए तो फिर चली जाएगी। इमोशंस अगर आपके ज्यादा प्रिडोमिनेंटली इमोशनल आदमी अगर आप हो तो कई बार आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ आती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाइए। जहां आपने उसका इक्विलिब्रियम बना लिया, दैट डे वुड बी अनदर बिगिनिंग ऑफ योर मच मोर सक्सेसफुल एंड हैप्पी जर्नी ऑफ द लाइफ। तो सर कोई ऐसा आसन है जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा कर पाए? उसके लिए एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको। जब आपको गुस्सा आने लगे तो केवल सामने एम्प्लॉय बैठा है, पर दो मिनट के लिए आंख बंद कर सकते हैं ना, और केवल अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसको हम आनापान कहते हैं। ध्यान ये करें कि सांस मैंने अभी अंदर लिया और सांस छोड़ दिया, आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। गुस्सा आते हुए आपको पता लग जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आप बताइए क्या आज बात चर्चा करना चाहते हैं? आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर्स दैट सम ऑफ आवर मुस्लिम फ्रेंड्स दे हैव ऑब्जेक्शंस इन योगा रिगार्डिंग ओम चैंटिंग एंड सूर्य नमस्कार। हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन एंड गिव योगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी? जी बहुत अच्छे, मैं जवाब दूंगा उसका। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, लाइक इन योर लाइफ बेसिकली हाउ हैव यू अचीव दिस एंड हाउ योगा हैज़ हेल्प्ड इन अचीविंग ऑल दिस ड्यूरिंग दोज ईयर्स? मैं आज ज़रूर आपको इतनी चर्चा करूँगा योगा के विषय में कि योगा आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप वकील साहब हो, चाहे और किसी प्रोफेशन में कोई जजेस हो, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई भी हो, उनको अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस एक्सेल करने के लिए योगा कहाँ तक मदद कर सकता है, उतना ही लिमिटेड रूप की योगा के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। एक मूल मंत्र, जैसे आपने किसी ने पूछा कि मैं कैसे हर्डल्स, तो मुझे भी आई होंगी, बल्कि शायद जो आज के युग में हर्डल आपको रेगुलेटरी या किसी प्रकार की आती है उससे ज़्यादा आई, क्योंकि वो समय इस प्रकार का था 1967-8 में जब शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी, क्लोज सिस्टम था। अगर आदमी की प्रायोरिटीज़ अपनी ठीक हो कि मुझे पहला काम कब करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए, तीसरा कब करना चाहिए, तो शायद आप इतने सभी हर्डल से आप दूर निकल सकते हैं। लेकिन होता हमारे साथ क्या है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को मिक्स कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कई बार, तो प्रायोरिटी जब जहाँ गड़बड़ा जाती है वहाँ पे सारा इक्विलिब्रियम इंसान का ख़राब हो जाता है, बिजनेस का भी इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। एक मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे पूरा पिछला एक शो देखेंगे, एक शो में हमने एक चर्चा की कि केवल आप ये सोचिए कि मेरे पास केवल 24 घंटे हैं जिंदा रहने के लिए, केवल 24 घंटे, तो जहाँ ये प्रश्न आपके मन में आया और सिंसियरली ऑनेस्टली अगर आप उसको यकीन करें तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप फालतू के काम नहीं करेंगे उस दिन, आप अपनी प्रायोरिटाइज कर लोगे, यार 24 घंटे बाकी हैं तो अब मुझे क्या क्या करना है आज, और आप उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, एक मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, और आप उस चीज़ को पूरी सिस्टमेटिक रूप से लगे रहेंगे। अगर हम रोज़ इंसान सोच ले कि भाई मेरे पास तो 24 घंटे, जैसे मैं अब शाम को जब अपने दफ्तर से उठता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि मेरा काम पेंडिंग कोई टेबल पर नहीं रहे, और ये सोच के करता हूँ कि पता नहीं कल सुबह उठें कि नहीं उठें, कोई पता नहीं, जैसे मन में ये आ जाती है कि कल सुबह उठें कि नहीं उठें तो आज का काम आज करना, कल पे नहीं छोड़ना, ये एक आदत बन गई, तो ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आइए अभी हम चलते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कही है, वेदों ने कही है,
प्रायोरिटीज तय की बड़ी अच्छे तरीके से, और ख़ास करके जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो लगभग हम लोग सब बिजनेस कम्युनिटी में से हैं, फैमिलीज वाले हैं, तो प्रायोरिटीज क्या बताई उन्होंने? पहला सुख, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला सुख निरोगी काया। खासकर यूथ से कहूँगा मैं, यंग जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आप ज़रूर इसको लिखिए और सोचिएगा, मनन करिएगा इसके ऊपर। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा क्या? एनीबडी वांट टू टेक ए गेस? हैं? गुड वाइफ। सही बोला। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी, गुणवंती नारी, ये लिखा उन्होंने। और चौथा सुख हो संतान हो आज्ञाकारी। ये चार प्रायोरिटीज हमारी, हमारे बुजुर्गों ने बना के दी है, हमारे शास्त्रों ने बना के दी है। अगर आप उस प्रायोरिटी में अपना काम करेंगे, उसको समझ के काम करेंगे, तो आपको कोई कष्ट जिंदगी भर में नहीं आने वाला। तो अब इसके साथ ही आज का एक सब्जेक्ट, जो मैंने प्रायोरिटीज भी बताई आपको, उसके संबंधित ही है कि योग का हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में किस प्रकार से लाभ उसका मिल सकता है, और क्या हमको करना चाहिए उसमें, क्या कारण है जो कई बार जो हमको तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो। क्योंकि जब तक आपका दिमाग फर्टाइल नहीं होगा, तब तक हम जो हम जानते हैं उससे बियॉन्ड नहीं सोच सकेंगे। और बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, नई नई ऊंचाइयों को छूना है, तो हमको जो जानते हैं आज के दिन, उससे ज़्यादा जानना। यानी आज जो हम जानते हैं वो हमारा एक ऑर्बिट बन गया, हमारी समझ में यही बात है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये जानकारी हमको है। लेकिन उतनी जानकारी से तो जो वो ही कर सकेंगे ना, जो आज आप कर रहे हैं, उससे आगे जान करने के लिए कि किस प्रकार से किस आदमी ने कैसे आगे बढ़ा, उसको जानना पड़ेगा आपको। उस अपने ऑर्बिट को शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस माहौल में हम, जिस दायरे में रह रहे हैं, जिस बात की जानकारी हमें है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दायरे से निकल के ऑर्बिट शिफ्ट करके आपको समझना पड़ेगा, और उस समझने के लिए दिमाग बड़ा फर्टाइल चाहिए, होशियार चाहिए, और योग उसमें मदद करता है, अपने आप को हमें कंसंट्रेट करने में, अपने बैलेंसिंग करने में। योगा के बारे में जाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी है क्या, हमारी लाइफ का नाम, जिसको हम लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, वो क्या है, किस चिड़िया का नाम है? आप में से कोई बताना चाहेंगे कुछ एक्सपीरियंस है बीइंग ह्यूमन? लाइफ को मैं देखता हूँ आत्मकल्याण। डॉक्टर साहब, लाइफ को मैं चुनौती मानता हूँ, वो हर उम्र के संग बदलती रहती है। जिंदगी जीने का नाम है, जैसे जैसे जीते जाएंगे वैसे वैसे बदलती जाएगी, और अच्छा रहेगा अगर औरों के लिए जिए। मेरे हिसाब से लाइफ इज ए जर्नी, उस यात्रा को हम कैसे पूरा करें, पैदल चल के करें, गाड़ी से करें, फ्लाइट से करें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर लाइफ एक जर्नी है। आप एक इस प्रकार से समझिए जो मैंने समझा है ज़िंदगी के बारे में। हम में से जितने इंडिविजुअल हम बैठे, 150 लोग यहाँ बैठे हैं लगभग, हम सभी एक इंडिविजुअल इकाई के रूप में हैं, हम एक सब्जेक्ट हैं। और हमारे अलावा जो बाहर का जो ब्रह्मांड है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे कहीं और हैं, ये विश्व जो भी है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जब मिलना होता है, तो उससे एक एक्सपीरियंस पैदा होता है, यू गेन एन एक्सपीरियंस। आप सुबह घर से निकले होंगे, आज आपने किसी को कह दिया, भैया तू धीरे क्यों चला रहा है, या कुछ कर रहे हो, तो सुबह जब से आप उठे हो अब तक आपको कम से कम 10 एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, अलग अलग तरह के। तो जो आपका इंटरेक्शन विद दिस ऑब्जेक्ट मीन्स दिस वर्ल्ड जो होता है, दैट इज एन एक्सपीरियंस, एंड ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसिस मेक्स द लाइफ।